नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड सीरीज का 9वां सेट कंप्लीट करेंगे। जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 8 वीडियो जो मैंने बनाया है इस सीरीज का 8 सेट जा करके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सारा 8 का लिंक। ठीक है, वो 8 देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आज 9वां सीरीज है, आज मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए मैं कोई डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस ऑप्शन टिक आउट करूंगा और काफ़ी कम क्वेश्चन आज का सेट में मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं 9वां सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जब से वर्ष 2000 में झारखंड बना था और अब तक झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ। झारखंड में सबसे पहले वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है, पलामू अभयारण्य है, ये सबसे बड़ा है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धनबाद जो है पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 66.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी है 2,50,55,073, यह ना। '91 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी। धनबाद जिले के 2 ब्लॉक से काट करके बोकारो जिले का निर्माण हुआ था। देखिए, बोकारो जिले का निर्माण वर्ष 1991 में हुआ था। पहला क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट होता है कि बोकारो जिले का निर्माण 1991 में हुआ था, जबकि धनबाद जिले का निर्माण 1956 में हुआ था। तो देखो, अब बोकारो जिले का जब निर्माण हुआ तो बोकारो को 2 जिले से काटा गया था, 2 जिले से काट के बनाया गया था। एक धनबाद था, दूसरा गिरिडीह। धनबाद के 2 ब्लॉक को काटा गया था, गिरिडीह के 6 ब्लॉक को काटा गया था। टोटल 8 ब्लॉक मिलाकर के बोकारो जिले का निर्माण हुआ था। तो धनबाद और गिरिडीह 2 ब्लॉक, तो आंसर अभी फिलहाल के लिए 2 ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि धनबाद के बारे में पूछा गया। अगर गिरिडीह के कितने ब्लॉक पूछा जाता तो 6 ब्लॉक के साथ जाता। ठीक है, तो वर्ष 1991 में बोकारो जिले की स्थापना हुई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। सदालो ब्लेयर्ड, ये झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट है। इसका अगर नाम आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं इंग्लिश में नाम। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। श्री विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। गुमला जिले किस जिले से बना। रांची जिले को काट करके गुमला जिले का निर्माण हुआ। 11 नंबर है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा जिला बनवाया गया। अब देखो, अभी क्या हुआ, रांची को काट के गुमला बनाया, अब गुमला को काट के सिमडेगा बना दिया गया। ठीक है, तो रांची से गुमला और गुमला से सिमडेगा, तो ये सिमडेगा। तो यहाँ क्वेश्चन वही है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा जिला बनाया गया, तो गुमला जिले से सिमडेगा जिला बनाया गया। 12th नंबर क्वेश्चन है, किस जिले के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई। पूर्व चेकोस्लोवाकिया या चेकोस्लोवाकिया, जो भी आ जाए ऑप्शन में आपको वो कर देना। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है।
स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? 1991 में। ये शायद मैंने एक क्वेश्चन ऊपर ही बता दिया था। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, और ये जगह काफी फेमस है? नेतरहाट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दलमा वन्यजीव अभयारण्य 1976 में बना था। अब ये उद्घाटन वर्ड जोड़ दिया, थोड़ा अजीब लग रहा। एनीवे, दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है 1976 में बना था। उद्घाटन कब हुआ था ये पता नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ उद्घाटन शब्द को, ठीक है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य 1976 ईस्वी में बना था, ये जान के रखिए। उद्घाटन कभी हुआ क्या फर्क पड़ता है। एनीवे, तो इसका 1976 आंसर होगा, 1976। तो ये कंप्लीट होता है 16 क्वेश्चन आज के सीरीज में। काफ़ी शॉर्ट टाइम में बनाया मैंने 16 क्वेश्चन। तो दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा अपने कमेंट, जब भी आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों के पास ये सेट नहीं पहुँचा है, आपका काम है कि ये सेट उनके पास पहुँचाना। और बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो शेयर करते रहिए। और कोई अगर किसी तरह की गलती हो गई तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिसर्च करके फिर कमेंट करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे एक बंदे ने कमेंट किया था कि नेतरहाट की स्थापना 1973 में हुई थी। नेतरहाट बेतला नेशनल पार्क, सॉरी नेतरहाट में बोल रहा हूँ, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1973 में हुई थी। तो मैंने उनको कमेंट करके बताया कि बेतला नेशनल पार्क जो है 1986 में नोटिफाई हुआ था। तो इस तरह अगर होता है कभी कभी झारखंड के स्पेशली परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत रहते हैं, बट मैं काफ़ी केयरफुल रहता हूँ। झारखंड से जब भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं एकदम एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है। तो बस यही सब बातों के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा मैंने बोल दिया लाइक करने के लिए। चलिए, बाय बाय।